Lordship, Lordship. Alternative remedy is there, Lordship. Sir, madam. They have to go to the commissioner, Your Lordship, now. The first, second appeal will lie before the commissioner, Your Lordship. How many brothers and sisters are you? दो बहन है। दो बहन एक भाई? नहीं, भाई नहीं है। दो बहन है। तो तहसीलदार ने किसका नाम लिखा है, तीसरा कौन? सत्येंद्र फट। उस समय मेरे फादर जिंदा थे तो फादर के नाम पे और हम दोनों बहनों के नाम पे थे। नहीं नहीं, और सर इस केस में सत्येंद्र कुमार भट्टाचार्य कौन है? मेरे फादर सर। अच्छा, लेकिन जब ऑर्डर जब इंक्रीमेंट का समय आया तो वो एक्सपायर हो गया। नायब तहसीलदार हैज पार्स्ड द ऑर्डर जी। अपील वाज फाइल्ड बाय योर सिस्टर रिस्पोंडेंट नंबर टू सुचिता बिफोर एसडीओ राज रेवेन्यू जी। देयर आफ्टर यू डायरेक्टली कम हियर। सर इसमें एक प्रोसीजर में गलत हुआ है सर। जो भी गलत हुआ है, देयर इज प्रोविजन टू फाइल अपील अंडर सेक्शन 44। लॉर्डशिप, अब कौन किसके पास? कमिश्नर, योर लॉर्डशिप। फर्स्ट अपील एसडीओ के पास गई तो सेकंड अपील कमिश्नर, योर लॉर्डशिप। आपको कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है सर, लेकिन मैं कौन से ऑर्डर के लिए मैं जाऊँ? एसडीओ के ऑर्डर के लिए सर। जो सुचेता ने जो एसडीओ के यहाँ जो एप्लीकेशन जो फाइल किया, जो अपील फाइल किया है सर, 11/2019। ठीक है, जो भी है इलीगल है। एज पर यू इट इज इलीगल ऑर्डर जी। यू मे चैलेंज ऑर्डर बिफोर कमिश्नर बाय फाइलिंग अपील। सर मैं कोर्ट को शायद समझा नहीं पा रही। समझाने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज ए प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट दैट इफ ऑर्डर इज पास्ड बाय द नायब तहसीलदार इट विल बी चैलेंज बिफोर एसडीओ रेवेन्यू बाय फाइलिंग अपील, है ना? सब्सिक्वेंटली इफ पार्टी डिड नॉट सेटिस्फाई विद दैट ऑर्डर then he can challenge, he or she can challenge that order before commissioner. It is in the land revenue. Sir, तहसीलदार के यहाँ दो ऑर्डर पास हुए। जो भी ऑर्डर हो, आप ये इस पिटीशन में आप ये जो चैलेंज किए हैं वो एसडीओ के ऑर्डर को चैलेंज किए, तो उसका अपील आप। मैं डायरेक्ट एसडीओ का ऑर्डर को भी चैलेंज नहीं क्यूँ, मैं एक प्रक्रिया के लिए आया हूँ। जी, जो भी प्रक्रिया है, प्रक्रिया भी वही चैलेंज होगा, यहाँ नहीं होगा। चलो एमएस सविता भट्टाचार्य प्रेजेंटिंग पर्सन जी।